नमस्कार, स्वागत सभी का। आपका भी टाइम आ गया है। कई लोगों ने आपदाओं में अवसर खोजा और आपने अवसरों को आपदाओं में बनाने की पूरी कोशिश की और पिछले 7 से 8 महीने की तपस्याओं का फल आपको मिलता अब दिखने वाला है। कोई भागवत कथा या फिलॉसफी का वीडियो नहीं है, ये नॉर्मल ही जो सूचनाएं देते हैं उसी प्रकार के। लेकिन इस सूचना का इंतज़ार आपने शायद हजारों सवालों में किया होगा मुझसे, हजारों सवालों में। आप भी जानते हैं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी जानते होंगे, लगभग 10 से 15 सवाल आपने ज़रूर किए होंगे इस सूचना को पाने के लिए। तो फाइनली आ गई है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट और ये है PhD प्रवेश परीक्षा 21-22 महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की सूचना जो आपको इस वीडियो में दे दी जाएगी। ठीक है, वही यूनिवर्सिटी की आदत होती है कि बैक डेट का नोटिस नई डेट पर डालते हैं। तो जब मैंने नोटिस देखा तो मुझे लगा कि कहीं डेट 9 दिसंबर तो नहीं है, फिर ध्यान से देखा कि 9 नहीं, कुछ और डेट है, क्योंकि मैं भी एक बार सस्ते में आ गया था या सक्का गया था। बस दुआ यही है कि पेपर लीक ना हो जाए, ना ऐसा ना हो कि आप लिख रहे हैं प्रवेश परीक्षा और पीछे से कोई कान में आके बोले परीक्षा हो गई रद्द। कारण जो भी हो, उम्मीद करिए परीक्षा रद्द ना हो। वैसे तो हर महीने कोई ना कोई परीक्षा रद्द होती है, वो अलग बात है कि हमें फ़र्क कम पड़ता है, क्योंकि जब अपने साथ होता है तो दर्द ज़्यादा होता है और जब दूसरे के साथ घटनाएं घटती हैं तो हम दर्द बांटने की बजाय उस घटना में दोषी को ही जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। परीक्षा का केंद्र, परीक्षा का माध्यम, परीक्षा की तिथि और परीक्षा कितने समय की होगी, ये सभी कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, बस अंत तक बने रहिएगा। तो मेरी कोई आपसे अपील नहीं है, प्रार्थना नहीं है, केवल कहने के लिए है। नहीं तो आप चाहें तो 30 सेकंड के वीडियो को देखने के बाद भी सवाल कर सकते हैं, चाहे तो 5 मिनट देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं शेड्यूल पे जो आया है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मिल जाएगा वेबसाइट पर, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सूचनाओं को देखने सुनने समझने के बाद मन में कोई डाउट हो, शंका हो, सवाल हो, पूछ लीजिएगा। और जो भी जानकारी आपको दूंगा कोशिश करिएगा उसी पर सवाल पूछिएगा। ठीक है, जो जानकारी मेरे पास नहीं है ना ही आपको दूंगा और ना ही आप उस पर सवाल करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो परीक्षा की तिथि है 19 दिसंबर 2021। सबसे बड़ी बात मैंने आपको पहले बता दी, सरल शब्दों में बता दी, 19 दिसंबर 2021 को आपकी PhD की प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। क्वेश्चन मार्क इसीलिए है क्योंकि अभी तक एडमिट कार्ड की सूचना नहीं आई है। एडमिट कार्ड कब तक आएगा? जो भी आपका यूज़र पोर्टल है ना, वहाँ जाइएगा, वहाँ चेक करिएगा। एडमिट कार्ड अगर आपका आ गया है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा और कमेंट में कोशिश करिएगा अपना सब्जेक्ट जरूर लिखेगा आप लोग, अपना सब्जेक्ट और एडमिट कार्ड आया है या नहीं, ताकि मैं भी कुछ रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू सुना एक नया वीडियो बना सकूं। ठीक है, एंट्रेंस है आपका 19 दिसंबर को और 2 शिफ्ट में होगी आपकी प्रवेश परीक्षा। ठीक है, 2 शिफ्ट में होगी प्रवेश परीक्षा और साथ ही साथ में जो पहली पाली है वह 2 घंटे की होगी, दूसरी पाली 3 घंटे की होगी। कुछ समझे? समझाता हूँ। देखिए, प्रवेश परीक्षा के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 की परीक्षा सुबह 9 से 11 है और पार्ट 2 की प्रवेश परीक्षा दोपहर 2 से 5 है। इसको ऐसा मत समझ लीजिएगा आप लोग कि मान लीजिए आपने हिस्ट्री से भरा है या किसी ने पॉलिटिकल साइंस से, तो हो सकता है हिस्ट्री की परीक्षा सुबह हो 9 से 12 और दूसरे की शाम को होती 2 से 5। ना, ऐसा नहीं है। बहुत टफ पेपर होने वाला है आपके लिए, बहुत टफ, इसे बोलते हैं टफेस्ट पेपर होने वाला है, क्योंकि जो रिसर्च मेथोलॉजी वाला पेपर है वह 2 घंटे का रहेगा और जो सब्जेक्ट का पेपर है वो 3 घंटे का रहेगा। दोनों परीक्षाओं में पास होना आपके लिए 100% मैंडेटरी है, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी है। और ज़रूरत को आप कैसे इस्तेमाल में लाते हैं ये आपको तय करना है। पहला पेपर जो मेथोलॉजी वाला है, रिसर्च का है, जो सबका कॉमन होगा और सभी का एक ही समय होगा, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री वाले का अलग होगा, पॉलिटिकल का, हिंदी का, ना। आपने किसी भी सब्जेक्ट से अप्लाई किया हो, पहला पेपर सुबह के शिफ्ट में है और आपके मन में ये भी सवाल होगा कि किसी ने 2 सब्जेक्ट में भरा है, तो मान लीजिए किसी ने हिस्ट्री में भरा है ना, और किसी ने एंशियंट हिस्ट्री में भर दिया या किसी ने सोशियोलॉजी में भर दिया, उस कंडीशन में आपको एक ही विषय की परीक्षा देने को मिलेगी, बाकी आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही सेकंड पेपर के साथ होगा। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए और परेशान मत कीजिएगा विश्वविद्यालय को फोन कर करके इस समस्या को लेकर के, सर हमने तो इतिहास से भी भर दिया और हमने तो पुरातत्व से भी भर दिया, सर हमने तो साहित्य से भी भर दिया और सर हमने तो फिलॉसफी से भी भर दिया, अब एक ही दिन एक ही समय 2 परीक्षाएं हम कैसे दें? ये प्रॉब्लम विश्वविद्यालय का नहीं है, आपका है। ठीक है, आगे चलते हैं। परीक्षाओं की तिथि मैं बता चुका हूँ, 19 दिसंबर है 2021, माफ कीजिएगा,
21 है और 21 22 की परीक्षा होनी है, ठीक है। एग्जाम की डेट और टाइमिंग आप सुन ली, अब आपने परीक्षा का केंद्र सुन लीजिए। 6 दिए हैं परीक्षा के केंद्र यूनिवर्सिटी ने, 6, क्योंकि बच्चे हजारों में हैं, बच्चे हजारों में है एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले और एग्जाम देने वाले। और इन 6 सेंटरों का नाम ध्यान से सुन लीजिएगा, और मुझे नहीं पता कौन सा आपका सेंटर आपको मिलागा, वो आपको एडमिट कार्ड से जानकारी मिलेगी। अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा लॉगिन पोर्टल पर। अगर एडमिट कार्ड आ गया होगा, मैंने पहले ही बताया, मुझे भी बताइए, क्योंकि मुझे अभी सूचना नहीं है एडमिट कार्ड की आया है या नहीं आया, क्योंकि जो सूचना वेबसाइट पर है उसमें एडमिट कार्ड का ए भी नहीं लिखा है, तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ कि एडमिट कार्ड आया है कि नहीं आया, ठीक है। 6 केंद्र कौन कौन से हैं, और हाँ, सभी के सभी केंद्र वाराणसी में है, ठीक है। आपको ना बरेली जाना है, ना आगरा जाना है, ना इटावा जाना है, ना कानपुर, ना लखनऊ, ना इलाहाबाद, ना अलीगढ़। आपके एग्जामिनेशन सेंटर सभी के सभी वाराणसी में है, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं सेंटर के बारे में। जगतपुर पीजी कॉलेज वाराणसी, जगतपुर पीजी कॉलेज वाराणसी, हरीशचंद्र पीजी कॉलेज वाराणसी, डॉक्टर विभूति नारायण सिंह, गंगापुर परिसर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। काशी विद्यापीठ का ये परिसर है जहां आपके ये केंद्र रखा गया है। और बाकी का एक और परिसर है वाणिज्य एवं प्रबंध शास्त्र संकाय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। एक और सेंटर है समाज विज्ञान संकाय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। और मानविकी संकाय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। यानी कि जो, जैसे कि एक मानविकी का मतलब क्या हो गया, ह्यूमैनिटी फैकल्टी, दूसरा हो गया सोशल साइंस फैकल्टी, तीसरा हो गया कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फैकल्टी, और तीसरा हो गया डॉक्टर विभूति नारायण सिंह गंगापुर परिसर, क्योंकि हमारे एक वाइस चांसलर थे विभूति नारायण राय, ठीक है। वाइस चांसलर थे महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व IAS IPS भी थे, ठीक है। तो उनके नाम से ये सेंटर नहीं है, लेकिन अलग है, ठीक है। हरीशचंद्र पीजी कॉलेज और जगतपुर पीजी कॉलेज, ये 6 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए हैं। कौन सा सेंटर आपको मिला है इसकी सूचना आपको मिल जाएगी एडमिट कार्ड पे। एग्जाम की डेट क्या रहेगी, मान लीजिए आपका हिस्ट्री का, तो एग्जाम की डेट और एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिलेगा एडमिट कार्ड पर, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। इस 7 मिनट के वीडियो को आपने यदि देख लिया हो और देखने के बाद ये समझ में ना आया हो तो सवाल कर लीजिएगा। कोई बात अगर मैंने कही हो जो आपको स्पष्ट ना रही हो उसको भी कर लीजिएगा, और कोई आपके मन में सवाल हो इस सूचना को लेकर वह भी आप लोग कर सकते हैं। बालों को मत देखिए, बाल क्या है यार, बाल तो बच गए ना, चलिए गंजे नहीं हुए हैं लेकिन बाल पक जरूर गए, ठीक है। तो सूचना मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, और 21 की बेहतरीन सुविधाओं, बेहतरीन सूचनाओं में से एक इस सूचना को ही मानेंगे आप, ठीक है। क्योंकि आपदाओं में अवसर तो मैंने पहले ही बताया था, बहुतों ने खोजा है, लेकिन आपदाओं से कैसे ठहर के संयम से, शालीनता से, सहजता से और शांति के साथ लड़ा जाता है, ये आप लोगों से सीखना चाहिए। उन सभी विद्यार्थियों शोधार्थियों को जो इंतजार नहीं कर पाते हैं आप लोगों से, इसलिए आपको सलाम है, आपके संयम को, आपके धैर्य को, और आपकी इस परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। परीक्षा का माध्यम हिंदी होगा या अंग्रेजी होगा ये मुझे नहीं पता है। पुराने क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे ये भी नहीं पता है। वेबसाइट पर हैं नहीं है ये आप लोग देख लीजिएगा, तो आपको कमेंट करेंगे। पूर्व के पेपर बता दीजिए, सिलेबस बता दीजिए। सिलेबस वही है जो UGC और CSIR नेट का है, उसको पढ़ लीजिएगा, शायद पास हो जाएंगे। नहीं तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जिन जिन विषयों में होती है मास्टर्स, उसका सिलेबस आपको वेबसाइट पर या उसके डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मिल जाएगा, उसको देख लेंगे। आपको अब ये मैं भी नहीं कह सकता हूँ पेपर MCQ अगर रिटर्न, क्योंकि टाइमिंग है 5 घंटे का, पहला पेपर 2 घंटे का, दूसरा पेपर 3 घंटे का, तो रिटर्न परीक्षा होगी, याद रखिएगा। CBT OMR रिटर्न ऐसा कुछ है कहीं नहीं लिखा है, लेकिन 5 घंटे की परीक्षा OMR नहीं हो सकती है, इसको आप भी समझते हैं, ठीक है। पेपर आएगा लेंथी, पढ़ लिए जैसे यूनिवर्सिटी इलाहाबाद का आता है, ठीक है। चलिए शुभकामनाएं, और क्योंकि रात्रि में शूट कर रहा हूं तो मेरी तरफ से शुभ रात्रि, और आपकी तो अब मॉर्निंग ही मॉर्निंग गुड हो गई है, ठीक है। गुड एंड वेल्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। संविधान और प्रकृति के करीब रहिए। सलाम, टाटा, बाय बाय।